one of the fastest growing educational platform for bank, SSC and other competitive exams. Guidely brings to you Guidely Express video course for banking prelims and mains with a lifetime validity. The course content will be provided in both Hindi and English languages. This express course comprises with 350 plus hours of live classes, 600 plus hours of video classes, 1200 plus mock test series, 400 plus PDFs, previous year's pre plus mains question papers for all upcoming banking exams. This video course is created by expert faculties in India who have years of experience and guided thousands of students so far. We will also provide personal guidance in secret Telegram group. You can attend the sessions in both platforms, mobile app and on laptop. And that's not all. If you are selected in the exam, you can get 100% cash back from our end. So what are you waiting for? To enroll in our express video course, go to this link today. हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग. मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली यूट्यूब चैनल पे. सो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अल्फाबेट टेस्ट. यानी कि आज ये देखा जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं अल्फाबेट टेस्ट के इस चैप्टर में. ठीक है, सो एक बार आप सभी बच्चे जो रेडी है वो एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस वी आर रेडी, हम तैयार हैं आज के इस सेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए. आज मैं आपको क्या क्या क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इसके लिए आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं. दिस इज द हाईलाइट ऑफ द डे. ठीक है, ये आज का हाईलाइट है. आप यहां पे देख सकते हैं कि हाईलाइट में मैं आपको कौन कौन से किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है ये आप सभी को पहले से पता है. अदरवाइज बता देता हूं, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ और 2020 के जो अपकमिंग एग्जाम है उन सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं करवाने वाला हूं आपको वर्ड के बेस अल्फान्यूमेरिक सीरीज, जिसमें करीब तीन लेटर पर बेस होते हैं क्वेश्चन, चार लेटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं, पांच लेटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं और छह लेटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो एक वर्ड होगा, उस वर्ड पर आपको किस तरह की अल्फान्यूमेरिक सीरीज मिलती है वो अपन करने वाले हैं. इसके अलावा करने वाले हैं अल्फान्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक सीरीज, जिसमें अल्फान्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक तीनों तरह के साइन आपको देखने को मिलेंगे. ओके, वो अपन आज करने वाले हैं. इसके अलावा नंबर बेस अल्फान्यूमेरिक सीरीज, जो बिल्कुल सेम पैटर्न है लेकिन वहां पे आपको वर्ड मिलते हैं, यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, वहां पे आपको तीन चार कोई शब्द मिल गए, लेटर मिल गए, INA INAP, यहाँ आपको नंबर मिलेंगे 2, 3, 7, 5 कुछ इस तरीके से. तो तीन या चार तरह के नंबर्स का एक सेट होगा और वो आपको यहाँ पे मिलेगा. पेयर्स ऑफ लेटर, कितने पेयर ऑफ लेटर है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो क्वेश्चन यहाँ पे है. अरेंज एंड रिपीटिंग नंबर सीरीज, की कौन से लेटर्स को अरेंज करा जाएगा, लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग, असेंडिंग, या फिर कौन से ऐसे नंबर हैं जो रिपीटेड फॉर्म में हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे. एंड द लास्ट वन इज अल्फान्यूमेरिक वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि कितने मीनिंगफुल वर्ड आप फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा आज. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आपको एवरी क्वेश्चन यू विल गेट ओनली 30 सेकंड, 30 सेकंड आपको मिलेगा. इस 30 सेकंड के अंदर टाइमर चलेगा और आपको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को. आप 100% सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर. लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, 2 जून आपका सभी का स्वागत है सचिन मोदी सर की रीजनिंग की क्लास में. ठीक है, तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट. और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि टोटल 15 क्वेश्चन मैं आज यहां पर लेने वाला हूं, 15 क्वेश्चन. और एंड ऑफ द क्लास, जैसे ही अपनी क्लास खत्म होगी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने बच्चों ने हाइयर स्कोर किया है. तो ऑनेस्टी रखिएगा, ईमानदारी से अपने स्कोर बताना कि 10 सही थे, 11 सही थे, 12 सही थे और 15 के 15 सही थे. ठीक है, सो रेडी हो? ओके, अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, ये कुछ प्रीवियस ईयर के प्रीवियस क्लास के कमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगे, मैंने शेयर करना चाहता हूं. देखो, दीक्षा ने कहा सुपर्ब सेशन, क्वेश्चन लेवल रियली नाइस, यू आर रीजनिंग ग्रेट टीचर, थैंक यू दीक्षा. महेंद्र नाथ श्रीवास्तव से ऑसम सेशन था, थैंक यू. गोदालाल सर सुपर्ब, मजा आ गया, थैंक यू. सोनाली बेक, नाइस सेशन, सेट नंबर 5 इज ऑसम, थैंक यू. शारदा कापसे, थैंक यू सो मच. शुभांगी सेज एज ऑलवेज अमेजिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच. नो वन प्रोवाइड दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन एट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हैट्स ऑफ टू यू सर. ये गाइज मैंने नहीं लिखवाए हैं, ठीक है, ये आपने लिखे हैं, ये आपका प्यार है जो आप मुझे कॉमेंट्स के थ्रू बताते हैं.
मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप कमेंट्स करते रहेंगे, मैं शेयर करता रहूंगा। और यार देखो, अगर ये सब होता तो मैं एक या दो या पांच या दस करवा पाता, लेकिन ये सब आपका प्यार है, ये आपको फील होता है कि हाँ कोई हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो चलिए लेट्स राइट समथिंग टू हिम, उनकी मेहनत के लिए कुछ लिखा जाए। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको कोई सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर लिखिए। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट, वो ये है कि गाइडली का एक ऑलरेडी एक्सप्रेस कोर्स लॉन्च हो चुका है, दूसरा इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप मुझसे पर्सनली रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, या फिर अभिजीत सर से जीए, या यश सर से मैथ, या अमित सर से मैथ, या फिर रोहित सर से रीजनिंग, या महिपाल सर से, या फिर नरेंद्र सर से इंग्लिश, अगर आप इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो गाइज आपका सभी का स्वागत है इंडिविजुअल लाइव बैच में। आप 499 के अंदर उस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएंगे तो एक्सप्रेस कोर्स के अंदर आप अपने आप को एनरोल करिए। एक्सप्रेस कोर्स में क्या है, 1499 आपके सभी लाइव बैचेस फ्री हैं, जो भी एक्सप्रेस फैकल्टी, जो भी एक्सप्रेस कोर्स में फैकल्टी पढ़ा रही है उनका, यानी 1499 आपको कुछ नहीं पे करना लाइव कोर्स में। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल रहे हैं, इसमें आपको लाइव सेशन भी मिल रहा है, तो सब कुछ मिल रहा है। लाइव भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज भी मिलेगी, डेली पीडीएफ भी मिलेगी, और सब कुछ मिलेगा मात्र 1499 में। सो यार एक बात बताओ, क्यों 5000 रुपए खर्च करना जब आपको 1500 में ही सब कुछ मिल रहा है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके अनुपम, अनुप आपका कमेंट भी जरूर लिया जाएगा, तो स्टार्ट करें, रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन। ओके रेडी हो जाओ पहले भैया सभी लोग, ये भी बोल रहा है भैया कि तैयार हो जाओ, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज देखा जाएगा कि कितने बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, ओके तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास को। अब भाई बताना जरूरी था यार, आपको पता है ना एक्सप्रेस कोर्स के बारे में बताना जरूरी होता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये अपना पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने आ गया। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम अप, एंड माय डियर स्टूडेंट टाइम अप हो चुका है। किसी ने आंसर किया है 3, किसी का आंसर है 2, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर देखने को तो मिल गए हैं, लेकिन बात ये है कि भाई चेक करना ये पड़ेगा कि आंसर भी सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द गिवन वर्ड्स, बहुत ध्यान से सुनना, इफ द गिवन वर्ड्स ऑल द वोवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, यानी वोवल में आपको +1 करना है, and the, all the consonant letter are changed to the previous letter, consonant में -1 करना है। और ये आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने वर्ड है जिसमें क्या आएगा, वोवल आएगा। एक बात बताओ, वोवल में आप +1 करोगे तो आपको consonant ही मिलेगा, ये तो फैक्ट है। यानी ऐसे consonant देखो जिसमें -1 करते ही क्या आ जाए, वोवल आ जाए। इसका मतलब आपको F देखना चाहिए, क्योंकि F से -1 करते ही E आएगा, है ना। J देखना चाहिए कि J से क्या आएगा, आपके पास I आएगा। इसके बाद P से क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। इसी तरीके से ए ए अगर मैं देखूं तो यहां पे ऑब्वियसली बात है बी से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहां पे वी से मेरे पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यानी ए आई ओ यू के लिए मुझे क्या चाहिए, बी एफ जे पी वी, यही चाहिए। अगर मैं यहां पे देखूं ना तो बी है, ना एफ है, ना जे है, ना पी है, ना वी है, ये नहीं हो सकता। यहां पे देखो तो मुझे पी मिल रहा है, और ये मुझसे क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन वोवेल, तो पी तो आ गया, यानी एसओ यूपी सूप वाला वर्ड तो अपने पास आना ही आना है। इसमें देख लो डब्ल्यू ओ आर डी, यहाँ ना डब्ल्यू ओ आर डी कुछ नहीं है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे भैया एफ मिल रहा है, इसका मतलब है 2, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट्स इट, सिंपल आंसर है। आपने क्या किया, आपने बस ये देखा कि ऐसा कौन सा कॉन्सोनेंट होगा जिसमें -1 करते ही वोवेल आएगा, दैट्स इट, ये सोचना है। बात समझ में आई? सो अब जो आंसर चेंज कर रहे हैं, जिन्होंने आंसर किया था 3 जल्दीबाजी में, उनका हो गया गलत। ओके तो वीडियो शेयर मार दो फटाफट से शेयरों, और स्टार्ट करो सेकंड नंबर क्वेश्चन। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। ओके टाइमर, जल्दी जल्दी, +1, ग्रेट।
एंड टाइम अप, भैया हो गया आपका टाइम अप। और आप देखो कई बच्चों ने आंसर शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कह रहा है ऑल द वर्ड्स, सबसे पहली बात तो लेटर नहीं पाया था, ये बात कर रहा हूं वर्ड्स की। अगर आप सभी वर्ड्स को अरेंज करते हो डिक्शनरी की फॉर्म में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अरेंज करोगे तो सबसे पहले किसे करोगे, इसको अरेंज करोगे, क्योंकि ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। आया कि नहीं आएगा, वर्ड से भैया, और अपने पहले लेटर से अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे ना। अब आपसे कह रहा है विच वन इज सेकंड फ्रॉम द सेकंड टू द लेफ्ट फ्रॉम राइट हैंड, यानी वन टू थ्री फोर राइट हैंड से देखा जाए तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, जो कि थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे कौन है, सू। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। That's great. Well done, शिका, मोनिशा, अभिलाषा, सुभस्मिता, टाइम, अंकिता, संध्या, गगन, स्वाति, absolutely correct answer is option C. यानी जिन बच्चों ने मुझे आंसर किया है सूप, that is the correct answer of this question. Okay? So let's move to next question. मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने सही किया है तो प्लस टू, दिस इज योर स्कोर। अगर आपके दोनों सही हैं तो आप स्कोर कर रहे हैं टू, लेकिन अगर आपका एक ही सही है तो आप स्कोर करेंगे वन, नेगेटिव की कोई जगह नहीं है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं तीसरा क्वेश्चन, रेडी एवरीवन, रेडी हो जाओ जल्दी, है ना। ये आ गया क्वेश्चन नंबर तीन एंड टाइम। जल्दी करो, बिल्कुल पीओ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रीलिम्स में जरूर आएगा प्रवीण। टाइम अप। सो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट से आंसर बताओ, किसका आंसर क्या आया है, जल्दी डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी अपने आंसर बताओ। वर्ड बताना है, यस। देखो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल द गिवन लेटर्स इन द वर्ड, यानी जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स हैं, अगर आप उन्हें अरेंज करते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो यहां पे इसको अरेंज कर लो, तो यहां पे अरेंज करोगे ई आई एन टी, यहां पे आप अरेंज कर दोगे पी ओ एस यू, यहां पे अरेंज कर दोगे डी ओ आर डब्ल्यू, और यहां पे अरेंज कर दोगे एफ एफ एन ओ टी। ठीक है, अरेंज किया, कह रहा है विच वन इज फर्स्ट From the right end, after all the words arrange in alphabetical order. अब आप alphabetical order में सभी word को arrange करो। आप अगर सभी को arrange करोगे तो ये आएगा सबसे पहले number पे, ठीक है? ये आएगा आपके दूसरे number पे, दूसरे number पे ये आएगा, तीसरे number पे आपके पास ये word आ जाएगा, और चौथे number पे आपके पास ये word आ जाएगा। और आपसे क्या कह रहा है? Right end से after all words are arranged, that is soup. And answer of this question is B. The simple answer is B, my dear student. None of these नहीं होगा। Question समझो भाई, ये एक बात याद रखो, सबका गलत है, मैं यहां पर देख चुका हूं, सबने मुझे सी 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 आंसर किया है, किसी का बी आंसर है ही नहीं। और अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, वैसे तो प्लस थ्री करना था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप प्लस टू पे और प्लस वन पे ही रुके हुए हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है ऑल द गिवन लेटर्स इन द वर्ड, जो वर्ड आपको दिए गए हैं यहां पे, इसमें जो भी लेटर्स आ रहे हैं उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपने आई एन ई टी को अरेंज किया ई आई एन टी में, सूप को अरेंज किया पी ओ एस यू में, या फिर ओ से कर लो ओ पी, ओ पी एस यू से होगा भाई, ये ओ पी एस यू से होगा, ठीक है। इसे अरेंज कर लो डी ओ आर डब्ल्यू, यानी 4, 15, 18 और 23, और एफ एन ओ टी से करो। अब आपसे कह रहा है देन विच वन इज फर्स्ट फ्रॉम द राइट एंड, कौन सा ऐसा जो वर्ड है वो राइट एंड से होगा इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सभी को अरेंज कर लो। अगर 1, 2, 3, 4 तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, यहां पे देखो तो ये स्टार्ट हो रहा है डी से, यहां पे ये किससे स्टार्ट हो रहा है ई से, यहां पे स्टार्ट हो रहा है एफ से, और यहां पे स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो राइट एंड से यही सबसे पहले आएगा, दैट इज सू। क्लियर? हां हां, मैंने ओपीएसयू कर दिया है, डू नॉट वरी चरिता, मैंने कर दिया है, वो मैंने जल्दीबाजी में किया था, कोई बात नहीं है, डन। अरे अभी समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, सबका गलत हुआ, स्कोर बिगाड़ दिया। देखो इसको कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, और यहां आप फंस जाओगे जब एग्जाम में
ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब तो लाइक कर दो, अब तो शेयर कर दो। जब आपको लगता है कि कोई टीचर इतना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करके आपको सिखा रहा है तो आपका लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डू इट फास्ट, जल्दी, क्लियर? दैट्स ग्रेट। देखो गाइस, मैंने फैन ऑफ कर रखा है क्योंकि नहीं तो फैन की आवाज आपको वीडियो में देखने को मिलती, ठीक है? इसीलिए मैंने फैन ऑफ कर रखा है। पर अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आप सेशन लीव करो। अदरवाइज ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम अप। अभी कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? एनीबॉडी जो मुझे बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड है उसका सेकंड लेटर, एंड फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट हैंड से फोर्थ लेटर का सेकंड वर्ड, या फोर्थ वर्ड का फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, यानी राइट हैंड से सेकंड फोर्थ नंबर का लेटर। अब आपको मुझे बताना है कि इसके बीच में कितने होंगे, तो जस्ट टेल मी फास्ट क्या आंसर आएगा। भाई सिंपल सी बात है, इसमें तो ओ की बात कर रहा है, ठीक है, और उसमें किसकी बात कर रहा है, इसमें डी की बात कर रहा है। थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, तो सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर क्या है अपने पास? ओ है, ठीक है, और फोर्थ लेटर सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से सेकंड नंबर ये है उसका फोर्थ लेटर, दैट इज डी है। तो ये कह रहा है डी और ओ के बीच में कितने ऐसे वर्ड हैं, वो कितने आएंगे ये बताना है काउंट करके, बस और कुछ नहीं करना। अब एक बार बताओ, ये चार पे आता है और ये पंद्रह पे आता है, आता है कि नहीं आता है? पंद्रह में चार गए तो आपके पास क्या होगा सर? ग्यारह आ रहा है, लेकिन इंक्लूडिंग वन, यानी माइनस कर दो वन, क्योंकि आपसे बोल रहा है बिटवीन, बिटवीन बताओ, बस आंसर आ जाएगा दस, दैट्स इट, ऑप्शन डी। यहां फिर गलत किया बहुत सारे बच्चों ने, वेरी 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 मच स्टूडेंट इज डूइंग रॉन्ग, दे आर सेइंग कि 11 आएगा, कुछ तो ऐसे कह रहे हैं नॉन ऑफ दीज आएगा, ये गलत आंसर है। इस 10, यार देखो D के बाद E F G H I J K L M N, that's it। ये देखो, पांच ऊपर पांच नीचे, ना मैं D को इंक्लूड करूंगा ना मैं O को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मुझसे बोला गया बिटवीन निकालना है, तो मैंने बिटवीन निकाला है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, 11 माइनस 1 10 कर दिया ना भाई, 15 माइनस 4 11, 11 में से जो भी आएगा उसे माइनस 1 करूंगा, बिकॉज 1 इज एडेड, और मुझे निकालना था बिटवीन, मुझे क्या निकालना था, बिटवीन। बात समझ में आई दोस्तों? सो आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 10 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चार हो गए, क्वेश्चन नंबर 5, सो लेट्स डू इट इन 30 seconds। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 5, पेयर्स ऑफ लेटर, come on यार जल्दी, गया 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 क्वेश्चन गया। तो देखो यहां पे भी टाइम अप हो गया आपका। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बारी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, कितने पेयर ऑफ लेटर होंगे। देखिए यार, अब एक वर्ड दिया गया है एम ओ बी आई एल ई, आप कैसे कर सकते हो 13, 15, 2, 9, 12 एंड 5। आप देखो यहां पे आपको इसके बीच का डिफरेंस चेक करना है। देखो स्टार्ट क्या कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, आपको लेफ्ट टू राइट भी चेक करना होता है, राइट टू लेफ्ट भी चेक करना होता है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है, 15 क्या 16, 17, 18 नहीं है, 2 से 3, 4, 5, देखो B से C, D और then E आता है कि नहीं आता है, आता है, यानी एक मिल गया, 9 से 10, 11 और 12 से 13। अब आपको देखो लेफ्ट टू राइट तो क्या मिला, एक गैप मिल गया, मिल गया ना। अब राइट टू लेफ्ट चेक कर लो, राइट टू लेफ्ट में कितने हैं, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 12 से 13, 14, 15 और L से O मिल रहा है, यानी एक यहां मिल गया,
9 से 10, 11, 12, 2 से 3, 4, 15, 16 एंड दैट्स इट, आंसर इज 2. आंसर इज 2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. इट्स नॉट वन पेयर, इट्स टू पेयर. यार देखो, बी से ई आ रहा है और एल से ओ आ रहा है, एल से ओ आ रहा है, बस ये चेक करना है. तो लेफ्ट टू राइट भी चेक करो, राइट टू लेफ्ट चेक करो एंड यू गेट द आंसर. मजा आया? बताओ भाई, समझ में आ रहा है? तो फटाफट से स्कोर करो 5. अगर 5 सही है, जो कि बहुत कम बच्चे हैं, तो स्कोर कर लो 4, स्कोर कर लो 3, स्कोर कर लो 2, स्कोर कर लो 1. जिन्होंने 1 सही किया वो 1, जिन्होंने 2 सही किए वो 2, 3, 4, 5, ऐसे स्कोर कर लो. ग्रेट ग्रेट. थोड़ा शेयर करो यार वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट. सेम पोजीशन चाहिए, न्यूमेरिकल. क्या हुआ? एंड देखो यार, एक बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने न्यूमरल्स हैं जिन जो इस नंबर के अंदर जो कि रिमेन सेम पोजीशन पर रहेंगे जब इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा, राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट डिसेंडिंग का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट असेंडिंग. होता है कि नहीं होता है? एक ही बात है, है ना? नंबर क्या है? 9, 4, 8, 6, 5, 3, 7, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चेंज हो गया, अनचेंज है, चेंज हो गया, अनचेंज है, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, 2. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. एक 4 और एक 6, 4 एंड 6 दोनों की दोनों क्या थे भैया? अनचेंज थे. क्या थे? अनचेंज थे. क्लियर है? बताओ यार, यहां पर भी गलत कर दिया यार. मतलब क्या कर रहे हो? सी इज द आंसर. अब स्कोर कर लो 6, स्कोर कर लो 5, स्कोर कर लो 4, स्कोर कर लो 3, स्कोर कर लो 2, स्कोर कर लो 1. आप अपना स्कोर खुद कर लो कि आप कितने सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो. ठीक है? ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो तो मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं. दैट्स ग्रेट. एंड क्वेश्चन नंबर 7. ओके, टाइम स्टार्ट. How many numbers are present in the above series which are immediately followed by a letter and immediately preceded by a symbol? And again time up. मतलब यार ये क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत टिपिकल नहीं है. प्री में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. नंबर से पहले सिंबल, नंबर के बाद में लेटर. ठीक है? प्रिसीड का मतलब क्या होता है? प्रिसीड का मतलब होता है सिंबल. तो इधर मेरे को चाहिए सिंबल. ठीक है? इसके बाद क्या है? नंबर. और इसके बाद क्या है? लेटर. और लेटर में कुछ भी चलेगा. फॉलोड बाय लेटर का मतलब होता है कॉन्सोनेंट भी चलेगा, वोवेल भी चलेगा. ठीक है? तो ऐसे कितने नंबर है जिनसे पहले सिंबल आ रहा है, जिनके बाद में कॉन्सोनेंट कोई भी आए मतलब लेटर चलेगा यार, उससे कोई लोड ही नहीं है. ठीक है? बस ये देखना है. तो सिंबल के बाद नंबर देखो कहां कहां पे है. सिंबल के बाद नंबर एक ही रहा. सिंबल के बाद नंबर नहीं है. सिंबल के बाद नंबर है लेकिन ये काउंट नहीं होगा. सिंबल के बाद नंबर लेटर दूसरा हो गया. सिंबल के बाद नंबर और देन लेटर तीसरा आ गया. अब आप एक बात बताओ कितने आ गए? 3 आ गए. एक एट द रेट 6 है, एक स्टार 8 है. एक एट द रेट 6 एन आ गया, स्टार 8 एस आ गया और देन हैश 7 जेड आ गया. एंड नाउ आंसर इज क्वेश्चन सी. दैट्स इट. यार हो सकता है यार, इजिली 30 सेकंड में हो जाएगा. बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 30 सेकंड में हो जाएगा. मेरी बात समझ में आई? सो कौन कौन से हैं? एट द रेट 6N स्टार 8S और हैश 7Z. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट्स इट. ये और ये तीनों मैच कर रहे हैं. ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? सो कितना स्कोर? 7 हुआ क्या किसी के? 7, 6 और 5 जिनका स्कोर है, दैट्स रियली ग्रेट. अच्छा स्कोर है अगर आपके 7, 6 या 5 स्कोर आ रहे हैं. लेकिन आपका स्कोर अगर बैड है, अगर आपका 5 से कम आ रहा है. और मैं चाहता हूं कि थोड़ा शेयर कर दो वीडियो को.
अगर आपको लगता है कि आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो जस्ट शेयर दिस वीडियो गाइज, मजा आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर एट, ये आ गया क्वेश्चन नंबर एट, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करो। टाइम आउट भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि ऐसे कितने लेटर है जिससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है बाद में नंबर आ रहा है। अब देखो ऐसे कितने लेटर हैं भैया, लेटर हैं, लेटर के विचार कह रहा है इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर जिसके बाद में नंबर आ रहा है ना, एंड इमीडिएटली प्रेसिड बाय अ कॉन्सोनेंट जिससे पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो आप ये देखो लेटर के बाद नंबर किधर किधर है, लेटर के बाद में नंबर, लेटर के बाद में नंबर, तो मेरे को लेटर के बाद में नंबर कहां कहां पे मिल रहा है। देखो लेटर के बाद में नंबर है यहां पे लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है। लेटर के बाद में नंबर, लेटर के बाद में नंबर, लेटर, लेटर कहां पे और हो सकता है, लेटर के बाद में नंबर है, ठीक है, सॉरी लेटर के बाद में नंबर के बाद लेटर है, तो लेटर के बाद में नंबर चाहिए था ना मुझे, ये रहा एक तो ये आ गया, तो SB9, तो पहला तो मेरे पास क्या आ गया, SB9, ठीक है। इसके बाद देखो YU5, तो देखो लेटर के बाद में नंबर है और कॉन्सोनेंट है, तो YU5 दूसरा आ गया। इसके अलावा देखो और क्या आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, यहां पे भी नहीं आ रहा है कुछ भी, यहां पे भी नहीं है कुछ भी, nothing, that's it, आंसर आएगा 2, that's B, एक आएगा YU5, एक आएगा SB9, that's it, 2, and score कितना हुआ, score बताओ, आप अपना लीडर बोर्ड शेयर करो guys, आप अपना लीडर बोर्ड शेयर करो, कितना स्कोर है आपके पास, कोई ऐसा बच्चा है जिसके 8 स्कोर है या 7 स्कोर है, हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग अस 8 और 7 स्कोर, लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चे ये बोलते हैं कि यस सर मेरा स्कोर सेम आ रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, डू इट फास्ट, जल्दी करो। टाइम अप, 7 और 8, 6 स्कोर भी आ रहा है, देखो 6 स्कोर बैड नहीं है, बुरा स्कोर नहीं है, ठीक है ये ध्यान रखना। कह रहा है इफ ऑल द सिंबल आर रिमूव, सभी सिंबल को रिमूव कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 और देन 6 और देन 7 रिमूव, देन क्या कह रहा है अरेंजमेंट, देन विच एलिमेंट बिकम एग्जैक्टली इन द मिडल, एग्जैक्टली इन द मिडल का मतलब क्या है, जो मिडल में आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर 10 ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर भी 10 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर देखा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यानी कि 1, 2, 3 इधर छोड़ दो, 1, 2, 3 इधर छोड़ दो, दैट्स इट, यू इज द आंसर, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है, यू इज द आंसर, दैट इज इन द मिडल, मिडल में क्या आ रहा है, मिडिल में आपके पास यू आ रहा है, एंड अब मुझे लगता है आपका स्कोर 9 और 8 तक पहुंच गया होगा, आपका स्कोर डेफिनेटली 9 और 8 तक पहुंचा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10, डू इट फास्ट, जल्दी करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ, लेट नहीं हो बेटा, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है, अगर आप सीरियस ही नहीं हो, अगर आप सीरियस होंगे तो आप हमेशा क्लास टाइम पर पहुंचेंगे। वीडियो शेयर करना है गाइस, क्योंकि एफर्ट मेरा बेकार नहीं जाना चाहिए, भले ही यहां बच्चे कम हो पर सिलेक्शन जरूर होगा सबका, ये गारंटी है। 8 स्कोर है, ओके 7 स्कोर है सुरभि, हाँ तो आंसर बताओ गाइस, आंसर क्या आया, ये कह रहा है ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर आर अरेंज, नहीं नहीं वोवल्स का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, ठीक है
आंसर दो। देखो हाउ मेनी वोवल्स आर प्रेजेंट इन द अबव सीरीज, कितने सारे वोवल्स हैं इस सीरीज के अंदर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, ऐसे कितने वोवल्स हैं इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल जिसके बाद में आ रहा है सिंबल, ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रेसिड बाय अ कॉन्सोनेंट, और ये किससे कॉन्सोनेंट हो रहा है, प्रेसिड बाय अ कॉन्सोनेंट। मैं देखता हूं वोवल के बाद कहां कहां पे सिंबल आ रहा है, बस उसको देखो, अगर वोवल के बाद में सिंबल आ रहा है, वोवल के बाद में सिंबल आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये रहा एक तो आ रहा है एन ई डॉलर, दैट्स इट, ठीक है। एक अगर मैं देखता हूं वोवल के बाद में सिंबल आ रहा है आर ए एंड, आर ए एंड आ रहा है, ठीक है, वोवल के बाद में सिंबल नहीं है, वोवल के बाद में सिंबल नहीं है, और यहां पे भी कुछ नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं, नथिंग। आंसर इज टू, आंसर इज टू, दैट्स बी। एक आप देख सकते हो एनी डॉलर, एक है आर ए एंड, तो ये दो आ रहे हैं आपके पास, यानी टू पेयर्स हैं, और टू पेयर्स हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टॉप 10 विनर जो कि टॉप 10 में आ रहे हैं, यानी कि प्लस 10 पे, प्लस 9 पे, अगर ये दो स्कोर है तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग गुड, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन अगर प्लस 8 या प्लस 7 या प्लस 6 वाले हैं, गाइज आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, क्लियर बोल रहा हूं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, पर कर सकते हो। दिस इज द राइट टाइम जब आप और अच्छी प्रिपरेशन करके अपने आप को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। तो थोड़ा सा चैलेंज ले लो, जिनके 10 स्कोर आ रहे हैं, 9 स्कोर आ रहे हैं, उनको चैलेंज कर दो कि यार अब तुमसे ज्यादा स्कोर लेके आऊंगा, देखो एक वीक के अंदर कंटिन्यूसली क्लास लूंगा, टाइम से क्वेश्चंस करूंगा, टाइम से आऊंगा और बेहतरीन प्रैक्टिस करूंगा, स्कोर आपका बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। स्कोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 11। नाउ देखो तीन तीन लेटर पे, तीन तीन वर्ड पे आ गया है, वो सॉरी नंबर पे आ गया है, अब तीन नंबर का एक सेट है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, स्टार्ट। थर्ड लोवेस्ट नंबर बताना है, बफरिंग मेरे एंड से नहीं है, डू नॉट वरी। सो आंसर क्या आ रहा है भाई, सभी नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, लिख दो, लिख करके ये देखो कि आपसे क्या कह रहा है कि थर्ड लोवेस्ट नंबर कौन सा है, किसी का आंसर नहीं आया, एक बच्चे ने आंसर तो किया है 517। देखो यार अगर ये मैं यहां पे बात करता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, मुझसे कह रहा है कि ऑल द डिजिट्स नंबर के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 741, 972, 751, 953 एंड 983, ये हाईएस्ट नंबर वन है, ये हाईएस्ट नंबर टू है, सॉरी ये हाईएस्ट नंबर टू है, ये हाईएस्ट नंबर थ्री है, ठीक है, ये हाईएस्ट नंबर फोर है एंड दिस इज हाईएस्ट नंबर फाइव है, सॉरी लोवेस्ट नंबर। तो मुझसे क्या कह रहा है, विच नंबर विल बिकम थर्ड लोवेस्ट नंबर, थर्ड लोवेस्ट नंबर तो बहुत इजी है यार, ये आ रहा ना थर्ड लोवेस्ट नंबर, भाई पहला हाईएस्ट, थर्ड लोवेस्ट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में देखो फर्स्ट लोवेस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट नंबर, ये चाहे आप देखा जाए थर्ड हाईएस्ट का हो या थर्ड लोवेस्ट का हो, यही रहेगा, थर्ड हाईएस्ट बोलो, ठीक है, या थर्ड लोवेस्ट बोलो, रहेगा तो यही नंबर और कोई तो रहेगा नहीं, और रहेगा यही तो मेरा आंसर क्या आएगा, 395, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। प्रिया जी एक्सप्रेस कोर्स के बिना एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते क्या, मैं कभी नहीं कहूंगा कि कभी नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक्सप्रेस कोर्स जितना कंटेंट होना चाहिए क्वालिटी पर बेस्ड, ठीक है। सो स्कोर 11 और स्कोर 10 वाले को बधाई हो, बाकी लोग लगे रहो, चैंपियन आपको भी बनना है, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, 395 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डू इट फास्ट एंड टाइम स्टार्ट नाउ, वेरी गुड, शाबाश।
क्या यार, डिवाइड ही तो करना है यार, कुछ नहीं करना, 9 को 3 से डिवाइड कर दो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट दैट्स 9, ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट दैट्स 3, लोवेस्ट नंबर यही है ना, दैट्स इट, 3 आएगा आंसर यार, डी आएगा। ये तो कुछ नहीं था, ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था यार, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन पढ़ो पिक करो दैट्स इट, ये आपका स्पीड होना चाहिए था, तब आप 10 सेकंड में क्वेश्चन करते, 20 सेकंड बचाते आज आपकी, 20 सेकंड बचा सकते हो यार, यही तो करना है आपको। और अगर आपके स्कोर हैं ये, तो ये एक अच्छा स्कोर कहलाएगा अभी तक के, अभी तक में 12 में से 10 स्कोर करना, 12 में से 11, 12 में से 12 स्कोर करना, दैट्स अ गुड स्कोर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो गाइस, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी करो। चरिता मुझे मिल रहे हैं आंसर, डू नॉट वरी, मुझे पता है 10 से 15 सेकंड यूट्यूब का बफर टाइम होता है बेटा, उसके लिए तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते ना, है कि नहीं है, तो हम बस केवल वेट करते हैं आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, ठीक है। एंड क्वेश्चन देखो, इफ वन इज एडेड फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, यानी हर एक नंबर में एक एड करते जाओ तो 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, एंड वन इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, यानी कि यहाँ पे 6 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा और देन 8 आएगा, ऑल द डिजिट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अब इसको एज इट इज लिख दो भाई, ये लिख दिया मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, तो ये पहले नंबर पे आएगा, सॉरी ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये पांचवें नंबर पे आ जाएगा, देन विच वन इज द थर्ड हाइएस्ट नंबर, थर्ड हाइएस्ट नंबर का मतलब अगर 5, 4, 3 की बारी है, 3 की बारी है, तो आप देख लो कि 517 होना चाहिए, ठीक है, और 517 होगा तो ये कह रहा है, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, हाँ ठीक है, सो डी आ रहा है सबका, यस, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट्स इट, ग्रेट। सो स्कोर कितना हुआ, प्लस 13 प्लस 12 और प्लस 11, ये स्कोर किस किस के हैं कमेंट करो भाई फटाफट से, यस, मैंने क्या बोला, थर्ड हाईएस्ट थर्ड लोवेस्ट यही रहेगा, किसी भी सूरत में ले लो, क्योंकि आपके पास टोटल ऑड है, तो आपका ये थर्ड हाईएस्ट भी होगा, थर्ड लोवेस्ट भी यही रहेगा, और कोई नहीं रह सकता, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं है, क्या कह रहा है अभी, ओहो 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 गाइज गाइज, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑल द डिजिट, मिस्टेक है, देखो मैंने भी एक मिस्टेक की है, इसने बोला है डिजिट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसने बोला था डिजिट और अपन ने क्या ले लिया है, नंबर ले लिया नंबर, तो इसको तो सही करना ही पड़ेगा, डिजिट को लेना है, तो ये होगा वन, ऑल द डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 156, ठीक है, इधर होगा 288, इधर होगा 166, इधर होगा 449, इधर होगा 389, अगर ये ऐसा है तो आपसे क्या बोला, थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर का मतलब है कि पहला हाईएस्ट नंबर, दूसरा हाईएस्ट नंबर, तीसरा हाईएस्ट नंबर 288, और 288 किससे मिलेगा, 729 से, गाइस आंसर ए आएगा, यस ए इज द आंसर, क्योंकि इसने बोला था ऑल द डिजिट्स और अपन ने क्या करा, जल्दी जल्दी में पढ़ा और अपन ने नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिए, ठीक है,
सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बच्चों के गलत हो गए हैं भैया, बहुत बच्चों के गलत हो गए हैं। यस यस यस, मैंने तो अपनी गलती मान ली है। ईमानदारी से गलती मान लेना, जल्दीबाजी में आपने भी मिस्टेक कर दी, ठीक है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। बोनस क्या, अगर आपने सही किया है तो आप +13 करिए, अगर किसी ने +12 किया तो +12 करिए, +11 करिए, ठीक है? सो आंसर 729 होगा, क्योंकि ऑल द डिजिट्स बोला है, अपन ने पढ़ लिया इसको रिदम में नंबर, ठीक है? और अब इस क्वेश्चन की बारी है। हाँ, इसका टाइम अप हो ही गया था ना। हाँ, क्या कह रहा है, अरेंजमेंट एक वर्ड में हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर फॉरवर्ड एंड रिवर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ये देखना है कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने ऐसे हैं जो आ रहे हैं। सो लिखो ए डबल आर ए एन जी ई एम ई एन टी। देखो 1 18 18 1 14 7 5 13 5 14 और देन 20। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है, 18 से 13 14 15 16 17 18 ये आ रहा है। देखो एक 13 से 14 15 16 17 18, एक तो ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है? ये मुझे इजीली मिल गया। 14 और 6 20, 14 15 16 17 18 19 20, एक ये भी आ रहा है, ग्रेट, ठीक है? 7 और 5 12 नहीं है, 8 9 10 11 12 13 नहीं है, 5 से 6 7 8 9 नहीं है, 14 15 16 नहीं है, 20 तक नहीं जाएगा, और दो आ रहे हैं क्या 5 13 के बाद, और तो आ ही नहीं रहा है, 7 से 8 9 10 11 12 नहीं आ रहा है, दैट्स इट, 2 आना चाहिए, सबके 2 आ रहा है, ए आ रहा है, यस ए इज द आंसर, क्योंकि दो पेयर है, एक M टू R ले लो और एक N टू T ले लो, देर इज ओनली 2 पेयर एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 पेयर, क्लियर? सो नाउ द स्कोर इज व्हाट, स्कोर आएगा +14, जिसके सभी सही हैं, अदरवाइज तो 13 और 12 वालों की भी स्कोर यही आएगा, ठीक है? अच्छा एक बार बताओ, कितने बच्चों ने लाइक किया सेशन को, दिल से बताना, मतलब सच बोलना कि यस सर मैंने सेशन लाइक किया हुआ है, मैंने सेशन लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, दिल से बताइएगा, ईमानदारी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, फिर मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोनस नहीं काउंट होगा गगन, वो मतलब आपने सही किया है तो आपका सही काउंट होगा, गलत किया तो गलत काउंट होगा। लाइक डन शेयर, लाइक डन शेयर, थैंक यू सो मच। एंड गाइस टाइम अप हो गया है इस क्वेश्चन में, तो अब बात आती है इस क्वेश्चन के सही आंसर की, कि सही आंसर क्या आएगा, ठीक है? अब देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऑप्शन में ऐसा कुछ वर्ड दिया जाएगा व्हिच डज नॉट फॉर्म, मैनेजमेंट से देखो गेम जी ए एम ई बन जाएगा, ये हो सकता है मैग्नेट एम ए जी एन ई टी मैग्नेट बन रहा है, छोड़ो एज एज बन रहा है, छोड़ो एलिमेंट ई एल ई एम ई एन टी, देखो इसमें 3 ई आ रहा है ना, 1 2 3, इसमें 1 ई है 2 ई है, यस एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट डी इज द करेक्ट आंसर। So, अब मुझे ये बताओ व्हाट इज योर स्कोर, स्कोर क्या है, टेल मी टोटल स्कोर 15 में से अगर आपका 15 है दैट्स एक्सीलेंट, ठीक है बहुत बढ़िया, अगर 14 है 15 में से दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है, अगर 13 है आउट ऑफ 15 दैट्स रियली ग्रेट, ये भी अच्छा स्कोर है, बट अगर आपका 15 में से 12 है या 11 है या 10 है, गाइज नीड इम्प्रूवमेंट, और आपको इम्प्रूवमेंट की बारी है, आप कंटिन्यूसली सेशन विजिट करते रहिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, मैं 100% कहता हूँ। आप सभी को अपना अपना स्कोर जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, कल का टॉपिक अपना ब्लड रिलेशन होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है? कल का टॉपिक ब्लड रिलेशन होगा। मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे,
अगर आपको मेरे और सेशंस देखने हैं तो आप ये सर्च करिए अल्फाबेट टेस्ट बाय सचिन मोदी सर, यानी टॉपिक का नेम होना चाहिए और टॉपिक के नेम के बाद में आप सीधे बाय सचिन मोदी सर्च करके यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं गाइडली पे। और बेसिकली मैं आपसे कहूंगा स्पेशली गाइडली के वीडियो पहले देखना क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न पे सारी चीजें पढ़ाई है मैंने, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि कल फिर 11 बजे अपन मिलेंगे और 11 बजे अपन ब्लड रिलेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक क्विज नहीं देखी है तो सिलॉक्स की क्विज अटेंड कर लेना, भैया परसों पढ़ाई थी। इनइक्वालिटी की क्विज करवा चुका हूं वो कर लीजिएगा, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग की क्विज करवा चुका हूं तो वो भी कर लीजिएगा। ये तीन क्विज मैं करवा चुका हूं और चौथी क्विज आज आपने कर ली है, दैट इज अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। सो अब आपकी बारी है, गो फॉर इट। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गाइड यूट्यूब चैनल बहुत काम आने वाला है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।